विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने गीता जयंती महोत्सव पर शौर्य संचलन निकाला। दोपहर 1 बजे पवन धाम हनुमान मंदिर पर एकत्रीकरण हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि राधेश्याम वैष्णव, जिला मंत्री कार्यक्रम अध्यक्षता भूरा लाल मांगठा, प्रखंड अध्यक्ष ने की। मंच संचालन जिला संयोजक कालू लाल मीणा ने किया। इस दौरान बजरंग दल की प्रार्थना कर वाहिनियों में वाहिनी क्रमांक से शौर्य संचलन अकलेरा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला। कार्यक्रम में जिला मंत्री ने वक्तव्य में बताया, गीता जयंती के दिन ही बाबरी कलंकित ढांचा दुष्ट किया था, आज उसी जगह पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जा रही है। इस अवसर पर कार्यकर्ता 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक हिंदू परिवार में निमंत्रण के तहत पीले चावल का न्योता देंगे। 22 जनवरी को अपने क्षेत्र के मंदिर पर दोपहर 11 से 1 बजे तक एकत्रित होकर महाउत्सव मनाएंगे। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का शौर्य संचालन अकलेरा के मुख्य मार्ग से होकर निकाला, जिसमें अकलेरा नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत वंदन किया। संचालन में जिला व्यायामशाला प्रमुख भूरा लाल सेमली, जिला गौरक्षा प्रमुख राकेश मेहता, प्रखंड संयोजक रंजीत मीणा, प्रखंड मंत्री खेमराज व मनोज कटारिया, फूलचंद सेन, नवल मेघवाल, वरुण यादव, मनमोहन पंडित, महेंद्र गोस्वामी, रवि गोस्वामी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अकलेरा से हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार मीणा की रिपोर्ट।